ओम शांति आज है सतगुरुवार आज है दिनांक 20 जुलाई 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी मीठे बच्चे शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी आज का प्रश्न नया और अनोखा प्यार कौन सा है नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है उत्तर में बाप दादा बोले विचित्र बाप के साथ प्यार करना यह है नया प्यार तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है हम उनके सामने बैठे हैं हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है यह है नया और अनोखा प्यार सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया अब विदेही बाप से प्यार करना है ऐसा प्यार संगम पर ही होता है गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे ओम शांति बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं व आए हैं इसको नया प्यार कहते हैं ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है बच्चे समझ सकते हैं बरोबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं वह निराकार विचित्र विचित्र माना जिसका कोई चित्र नहीं चित्रहीन उसे ही हम विचित्र कहते हैं वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है हम अभी उनको जान पहचान गए हैं यह प्यार भी अनोखा है वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है यह है विधे बिगर देह के हम उनके सामने बैठे हैं वह बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं तो नई बात हुई ना आगे जो आशाएं थी धन मिले महल मिले वह सब आशाएं बदल गई हैं सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी तुम सम्मुख बैठे हो जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन कौन है शिव है याद भी उनको ही करते हैं अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो दिल में उमंग है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है कितना विचित्र अनोखा वंडरफुल बाबा है यह और कोई नहीं जानते सिर्फ तुम ही जानते हो बाप कैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहें बाबा पूछ रहे हैं तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहें बाप राय देते हैं हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दें शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है पावन दुनिया स्थापन करने उनसे हम अभी पाँच हजार वर्ष पहले मुआफिक वर्षा ले रहे हैं स्वर्ग के स्वराज्य का आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी अब वह आया है तो एक कोठरी अपनी बनाए शिव का चित्र रख उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी चित्र, तो चित्र गले में भी डाल देते हैं क्या कहा घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी चित्र गले में भी डाल देते हैं पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की याद को समेट एक को याद करना है और सभी की याद को समेट एक को याद करना है जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है मनुष्य क्या समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है अरे यह तो अच्छा है ना पावन बनने लिए ज़रूर विकारों को तो छोड़ना होगा बिगड़ते हैं भक्ति क्यों छोड़ते हो अच्छा हम भक्ति करते हैं परंतु एक की दूसरा न कोई और संग बुद्धि योग तोड़ देना है तुम्हारी युद्ध माया से है तुम बाप को याद करते हो माया तोड़ने की कोशिश करती है हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है ऐसे याद करते रहेंगे हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है ऐसे याद करते रहेंगे शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है तुम्हारी बुद्धि में अब आया है हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं तो हम क्या करते हैं हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं भक्ति मार्ग में यह पता नहीं रहता शिव क्या करते हैं क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं तुम समझते हो सबसे ऊंच है शिव बाबा उनको ही परमात्मा कहा जाता है परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है स्वर्ग में है श्री कृष्ण उनको फादर नहीं कहेंगे वह तो बच्चा है स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार वह देधारी नहीं यूं तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं गांधी को भी बापूजी कहते हैं परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे अर्थ तो समझते नहीं तुम जानते हो सबका बापूजी शिव बाबा है शिव दादा नहीं बाबा वह निराकारी दुनिया में रहते हैं श्री कृष्ण को याद करेंगे लेकिन वह तो वैकुंठ निवासी है ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं परमात्मा है निराकार उनको देह है नहीं सर्वव्यापी के ज्ञान कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं यहाँ है नई बात और सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं और सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं तुमको निश्चय है हम निराकार बाप से माना पिता से सुन रहे हैं निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे कल्प कल्प बाप आते हैं आकर मालिक बनाते हैं फिर भी माया कितना हैरान करती है फिर भी माया कितना हैरान करती है विघन डालती है रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं दे अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो हम तो बाबा के बने हैं बाबा वापिस लेने आए हैं बाबा क्या करने आए हैं हमको वापिस परम धाम लेकर जाने आए हैं यह शरीर छोड़ अब वापिस जाना है अपने से बातें करो सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है पक्का पक्का निश्चय करना है हम आत्माएं परम धाम से आई हैं वहाँ के हम रहने वाले हैं सतयुग में इतने जन्म राजाई की सत्युग में इतने जन्म राजाई की चौरासी जन्म लिए अब नाटक पूरा होता है वापस जाना है घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियाँ चढ़ाते हैं पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है पुरुष तो जैसे खग्गे हैं घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं बुद्धि योग बहुत भटकता है पत्नी का पति तरफ बहुत मोह जाता है पत्नी का पति तरफ बहुत मोह जाता है तुम बच्चे समझते हो यह दुखधाम है अब सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है युक्तियाँ रचनी है हम बाप को कैसे याद करें उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता यह आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए तुम बच्चों का योग कैसा चाहिए अव्यभिचारी माना एक की याद बिना भटके हुए एक की याद शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो बाबा ने अपना मिसाल बताया था लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है ऐसे तो ठीक नहीं है तो आर्टिस्ट को कहा इससे लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था एक पॉकेट में एक मुरादी के बॉक्स में एक पॉकेट में एक मुरादी के बॉक्स में घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था जैसे मस्त परंतु गुप्त करता था परंतु गुप्त करता था कोई देखे नहीं नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है पहले श्री कृष्ण से प्यार था फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया जैसे भक्ति नौधा होती है वैसे यह याद भी नौधा होनी चाहिए इससे प्राप्ति बहुत भारी है जैसे भक्ति नौधा होती है वैसे यह याद भी नौधा होनी चाहिए इससे प्राप्ति बहुत भारी है उनसे तो कुछ नहीं अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े भक्ति में धन दे आदि में मेहनत लगती है कमाओ तब खाओ बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्राप्त भोगते रहेंगे कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना कहते हैं श्वासो श्वास शुआस याद करो गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो राम राम करते रहो बस राम राम जपते जबते रोमांच खड़े हो जाते हैं राम राम की मस्ती में झूलते हैं जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए तुमको तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो और कुछ याद न आए परंतु माया भी सामना करती है भक्ति मार्ग में थोड़े ही माया सामना करती है यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध नाटक भी बनाते हैं भगवान ऐसे कहते हैं माया ऐसे कहती है अभी है संगम युग माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्यों को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है या फिर माया रावण का तूफान है उनसे बचने की युक्तियां तो बाबा बताते रहते हैं तुम कहेंगे हमको परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं आगे बाबा हम सब बच्चों को समझा रहे हैं तुमसे कोई पूछे तुमको यह सन्यास किसने कराया गुरु कौन है बोलो परमपिता परमात्मा ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध हैं उनको छोड़ो इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो सन्यासी ऐसे थोड़े ही कहेंगे अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है तुम सगाई करते हो ना देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी सर्वधर्मानी परित्यज्य माम एकम याद करो मैं फलाना हूँ यह हूँ यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो चौरासी जन्मों को तो तुम जान गए हो अब खुशी से वापस जाते हैं ताली बजानी चाहिए हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं अपने को देही समझना है हम आत्मा पहले पहले गोरी थी फिर चौरासी जन्म लिए अब वापस जा कर के जाकर के फिर आए स्वर्ग में राज्य करेंगे यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे बाबा आप आए हो कितने मीठे हो हमारे बाबा हो ना ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें करते थे ना शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे गरीबों को सोने का साहूकारों को चांदी का देंगे यह माताएं बड़ी मीठी हैं गांव वालों में भाव अच्छा रहता है साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं श्री कृष्ण को गांवड़े का छोरा कहते हैं ना श्री कृष्ण तो गांवड़े का छोरा बन ना सके श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन ना सके वह तो स्वर्ग का मालिक है इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं गावड़े का पूरा अनुभव इनको है तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गाँवड़े का छोरा बन ना सके हाँ यह दादा छोटेपन में था पला ही गाँवड़े में हूँ पलाही गावड़े में हूँ तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद पर याद कभी भूलनी नहीं चाहिए लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या इम्पॉसिबल है यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी विजय माला में आ नहीं सकेंगे कमाल है बाप की जो बूढ़ियों गरीबों गणिकाओं अहिल्याओं कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं यूँ तो कोई चित्र की दरकार नहीं है परंतु माया भुला देती है इसलिए चित्र रखा जाता है बुद्धि में रहना चाहिए हम जाते हैं बाबा के पास रास्ता देख लिया है मुक्ति जीवन मुक्ति का और कोई पंडा होता ही नहीं है इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा बाबा तो अंतर्यामी है ना यह बाबा ब्रह्मा बाहरयामी है उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको और जो पतित आकर बैठा होगा उन दोनों को सजा मिलेगी बहुत इम्पॉर्टेंट बात बाबा आज की मुरली में कह रहे हैं कि तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको और जो पतित आकर बैठा होगा उन दोनों को सजा मिलेगी इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए लॉ ऐसे कड़े हैं कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए नहीं तो बड़ी बड़ी क्या होगी बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना अच्छा मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते ओम शांति धारणा के लिए मुख्य सार सभी की याद को समेट बुद्धि योग सभी से तोड़ एक बाप की याद में रहना है शिव बाबा की कोट बनाए उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है हम पहले कितने सुंदर गोरे थे फिर चौरासी जन्म लिए अब खुशी से वापिस जाते हैं ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है वरदान है स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले क्या करें बेदाग भव हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं एक प्रदर्शन दूसरा परचिंतन हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं एक प्रदर्शन दूसरा परचिंतन यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग लग नहीं सकता सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे स्लोगन है विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं अच्छा सभी को ओम शांति